अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.7। हियर वी सी दैट देयर इज ईट रिटन ईट। इफ वी मेक फैक्टर्स ऑफ ईट व्हाट विल हैपन? टू फोर्स आर, टू टूज आर एंड टू वन्स आर। सो टू टू जर फोर, फोर टू जर एट। यहाँ पे आप देखें कि ये टू थ्री टाइम्स है, टू इंटू टू इंटू टू, हम इसको लिख सकते हैं टू पावर थ्री। तो यहाँ पर एट की जगह हम लिख लेते हैं जी टू पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर थ्री। और सेकंड ये 36 है, एज वी ऑलरेडी नो दैट 6 × 6 = 36 होता है, तो हम 36 को लिख सकते हैं जी 6 स्क्वेयर। वो 6 स्क्वेयर इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि इसकी पावर जो है ऑलरेडी वो 1/2 है, तो इजीली कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल डी स्टूडेंट्स, जब हम लिख लेते हैं तो इसमें से 2 2 से कैंसिल हो गया और 3 3 से कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर इज क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज रिटन एज 64 रेज टू पावर -1/6। वी मेक फैक्टर्स ऑफ 64, टू थ्री आर और टू टू आर, टू वन आर और यहां से वन गया तो टू सिक्स आर, टू एट आर, टू थ्री टू सॉरी फोर आर और टू टू आर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये हम लिख सकते हैं जी 2 raised to power 6। तो 64 को जरा चेंज कर लेते हैं, बल्कि 64 को चेंज करते हुए हम इसमें ये 64 को लिखते हैं जी 2 power 6 और इसके साथ जो ऑलरेडी पावर लिखी हुई है वो लिखी रहने दें। यहां पर डियर स्टूडेंट्स, आप कैंसिल करेंगे इस 6 को इस 6 के साथ, तो आपके पास हो गया 2 power -1। और अगर किसी चीज की पावर -1 हो तो उसको उठा के ओवर के नीचे ले जाएं तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी, और ऊपर अगर कुछ ना हो तो 1 जरूर लिखना होता है। सो सिंपली वी हैव आंसर 1/2। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो 256 के फैक्टर्स बनाए तो काफी लेंथी हो जाते हैं, लेकिन ये 256 जो है ना, हमें पता है कि 16 × 16 = 256। तो हम 256 को हम 16 स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। वैसे भी अगर 256 का स्क्वेयर रूट लें तो आंसर हमारा 16 आ जाता है। तो हम पावर कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर 2 आए, तो मैं जस्ट 16 लिख के रेज टू पावर 2 लिख देता हूं और डिवाइडेड बाय ये मेरे पास एक्स स्क्वेयर हो गया, जबकि इसकी रेज टू पावर जो है 1/2 है। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स पावर है, ये ऊपर वाली पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो अगर सेपरेटली हम करें तो ये 16 power 2 जो है इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे जो एक्स स्क्वेयर है उसको भी 1/2 से ये पावर को मल्टीप्लाई कर दें। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके सामने ये 2 2 से कैंसिल हो गया और ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया, एंड आवर आंसर विल बी 16/x। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर आप इसमें देखना चाहें तो हमारे पास ये 81 जो है ना, ये बेसिकली 3 power 4 है। 3 power 4, इसके आप फैक्टर्स भी बना के चेक कर सकते हैं, और साथ में ये आगे आ गया जी x power -8 भी आ गया और z power 4 भी आ गया, और सारे का होल पावर जो है 1/4 है। ये 1/4 पावर जो है ये तमाम पावर्स के साथ 1/1 मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो हम पहले लिखते हैं 3 power 4 है,
इसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई कर दें, फिर एक्स पावर माइनस 8 है इसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई कर दें, और जी जो है जो ऑलरेडी 4 है इसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई कर दें। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ जरा कैंसिलेशन के लिए, मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे 4 4 से कैंसिल और ये 4 2 0 हो गया और ये भी 4 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जस्ट 3 एक्स रेज टू पावर माइनस 2 और z जो है ना आ गया। यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, ऊपर z भी लिख सकते हैं, लेकिन ये x पावर जो माइनस 2 है इसको ऊपर के नीचे तरह ले आए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, ये बेसिकली होता है 3/3, ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 2n/3, इसका ये फायदा होगा ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू जो 2 है वो ऑलरेडी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, दैट इज 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन बाय 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो 18 पावर माइनस n/2 आपको नजर आ रहा है, इसमें मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर 15 हो और रेज टू पावर अगर n हो, तो अगर हम 15 के फैक्टर्स जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर n कर देते हैं तो ये n पावर बेसिकली इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि इनके ऑलरेडी पावर 1 1 है, तो ये n उसके साथ पावर के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा जी 3 पावर n और 5 पावर n। इसको हम इसी तरीके से डील करेंगे। ये जो 18 है ये बेसिकली क्या है, 18 के अगर हम फैक्टर्स बना लें तो ये पहले तो 2 से तो 3 आ गया, और फिर 3 से सॉरी 2, इसमें थोड़ा सा ये बैक पे चलते हैं, ये 2 9 जार, उसके बाद 3 3 जार, तो बेसिकली ये हो गया जी 2 × 3 × 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 2 लिख लेना, ये 3 को जो है 3 स्क्वायर लिख दें, इसका भी मैं बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा। तो आप ये 18 के फैक्टर लिख लें जी 2 × 3 स्क्वायर, और इसकी चूंकि पावर आपके सामने है -n/2, ये आपने लिखी हुई है, थोड़ा सा ऊपर तो कैंसिलेशन का प्रोसेस जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ये 3 3 से कैंसिल हो गया और ये वाला 3 3 से कैंसिल हो गया, इधर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बचा 3/2n, नेक्स्ट वैल्यू बची जी 2/-n डिवाइडेड बाय, ये 2 पावर भी 1 है और ये 3 की पावर 2 है, तो ये बाहर वाली जो पावर होती है ना ये बेसिकली इनकी पावर्स पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 2 पावर, इसमें साइन भी लगा, -2/-n/2, और उसके साथ साथ आ जाएगा जी 3 स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके साथ भी पावर -n/2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर वंस अगेन कैंसिलेशन का प्रोसेस आपके सामने शुरू होगा, इसमें ये 2 इस 2 से कैंसिल तो हो गया, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो वैल्यूज बची हैं वो कुछ इस तरह की बच गई हैं, थोड़ा सा पेन का कलर जरा डार्क वाला लेते हैं, तो ये आपके सामने। अब यहाँ पे ऊपर तो है जी 3 पावर ये 2n लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2/-n लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2/-n/2, और ये आ गया जी 3/-n। तो यहाँ पे जो 3 है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके मतलब ये वाला 3 जो इसकी पावर है ये माइनस एन, ये ऊपर जाके 3 के साथ अपना एड हो जाता है, वहां पे इसका साइन चेंज होता है, जहां ऊपर लिखा हुआ था 3/2n, तो नीचे से जो 3/-n गया ऊपर जाके ये हो गया जी +n, इसका तो ये मसला सॉल्व हो गया। ये जो है ना ये ऊपर ये 2/-n जो है इसको जरा नीचे ले, ये 2 पावर वो ऊपर पावर इसकी -n है तो नीचे आकर होगी +n,
और माइनस एन बाय टू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर का मसला इजीली सॉल्वेबल है, थ्री है, टू एन प्लस एन जो है ना वो हमारे पास हो जाता है जी थ्री एन, इसका तो हो गया क्लियर। यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका जरा एलसीएम का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। आपको इधर लिखते हैं जी एन माइनस एन बाय टू, जिस वैल्यू के नीचे कुछ ना हो वन लिखें, ये इधर वन है इधर टू है, तो इनका एलसीएम बेसिकली बन गया टू। हमें डिनोमिनेटर्स ये वाले डिनोमिनेटर और ये वाले को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है कि हमारा एलसीएम के इक्वल आ जाए नंबर, तो टू मल्टीप्लाई बाय वन है, ऊपर वन से ही कर दें। ये जो वन है इसको किस से मल्टीप्लाई करें, भाई वन को टू से करेंगे तो एलसीएम के इक्वल आएगा, तो ऊपर टू से कर दें। तो ये ऊपर हमारे पास इसको अगर सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है टू एन, और बीच में इसके है जी माइनस और ये एन, और ये बच गया जी एन बाय टू। वैसे भी अगर देखा जाए तो एन में से आधा एन अगर निकाल लिया जाए तो पीछे आधा एन यानी एन बाय टू ही बचता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये बात इधर जरा राइट साइड पे आ जाए। ये ऊपर एक्स पावर ए लिखा हुआ है और नीचे एक्स पावर बी लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि अगर इसकी पावर लेट्स सपोज माइनस एम है, तो अगर मैं ऊपर वाले न्यूमिरेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमिरेटर यानी उल्टा लूं, ऊपर एक्स ओवर बी लिख दूं नीचे एक्स ओवर ए लिख दूं, तो ऊपर क्या सिंपल होता है कि सिर्फ ये जो पावर होती है इसका साइन जस्ट हमने चेंज करना होता है, तो यहाँ पर ये प्लस एम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 6/7 लिखा हो और रेज टू पावर माइनस 100 लिखा हो, तो अगर मैं जस्ट ये इनको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर यानी 7/6 लिख दूं, तो पावर का साइन ये है चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा जी प्लस 100। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले मैं ए पावर पी लिख दिया, ए पावर क्यू लिख दिया, और इसकी रेज टू पावर में ये दो वैल्यूज के साथ माइनस आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए माइनस कॉमन कर लेता हूं, अंदर रह गया जी क्यू प्लस पी, ये इसको ऐसे लिख दें। नेक्स्ट वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही करें, ए पावर क्यू ए पावर आर और माइनस कॉमन करें जी पावर में से, तो अंदर रह गया आर प्लस क्यू, ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ए पावर आर कोई चेंजिंग नहीं, ए पावर पी कोई चेंजिंग नहीं, जस्ट इसकी पावर का साइन कॉमन कर लिया, तो ये हो गया जी पी प्लस आर। अब ये स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया था मैं इसके डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाने लगा हूं ऐसे, और ऊपर वाले न्यूमिरेटर को डाउन, वैसे तो लिखा हुआ है ए पावर पी डिवाइडेड बाय ए पावर क्यू, इसका अगर रेसिप्रोकल लिखें तो हम लिखेंगे ए पावर क्यू ओवर ए पावर पी कर दें, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा ये पावर का ये साइन जो है माइनस है ये प्लस में चला जाएगा, तो पावर होगी जी क्यू प्लस पी। सेम प्रोसेस आगे भी रिपीट करते जाएं, ए आर डिवाइडेड बाय ए क्यू, ऊपर माइनस का साइन जो है ये वाला खत्म हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर पावर आ गई आर प्लस क्यू। नेक्स्ट वाले को भी ऐसे ही करें, अगर ए पावर पी डिवाइडेड बाय ए पावर आर, और इसकी भी पावर का साइन माइनस से प्लस में चेंज हो गया, तो ऊपर बच गया पी प्लस आर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन देखें तो ये बहुत ही इंतहाई आसान हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ए क्यू ये नीचे से जो पी है ये ऊपर जाके हो गया माइनस पी, पावर देख लें आप, ए पावर है क्यू माइनस पी जबकि ऊपर है क्यू प्लस पी। सिमिलरली आगे वाले को लिखें जी आर माइनस क्यू और रेज टू पावर हो गया जी आर प्लस क्यू। सिमिलरली ए पावर पी माइनस आर और पावर में क्या आ गया जी पी प्लस आर, ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लिया है। अब इसके बाद जो इसका हम बेनिफिट लेने लगे हैं ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इसमें एक और चीज मैं आपके सामने ले आता हूं कि आपको पता है कि जैसे ए माइनस बी
इनटू ए प्लस बी, फार्मूला क्लोज हो जाए तो जस्ट बनता है जी ए माइनस बी स्क्वेयर। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसमें देखें कि अंदर ये लिखा हुआ है क्यू माइनस बी और बाहर लिखा हुआ है क्यू प्लस बी, तो ये फार्मूला की मदद से अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए पावर हो जाएगी जी क्यू स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये फार्मूले की शक्ल में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। फिर उसके बाद ए पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर भी हो गया। अब ये स्टूडेंट्स आप बेसिस जो है ये सब की सेम है, आपके सामने लिखी हुई है ये बेसिस है, ए बेस सेम, ये भी ए बेस है और ये भी बेस जो है ना, चूंकि तमाम जो ये वैल्यूज लिखी हुई है सबकी बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो उसको एक ही दफा लिखते हैं और ऊपर जो पावर्स होती हैं फॉर एग्जांपल ये वाली और ये वाली इनको सारी को प्लस फॉर्म में लिख दें, यानी पहले लिख देते हैं क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन लगा के अगली पावर क्या है जी आर स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, फिर प्लस के बाद ये वाली पावर जो ऊपर लिखी हुई है पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर लिख दें। उसके बाद आपके सामने कुछ कैंसिलेशन के लिए अगर आपको मिलता है फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो है पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर से गया, क्यू वाला क्यू से गया और प्लस आर माइनस आर से गया, वी हैव ए पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंतहाई आसान बन जाएगा, ये ए पावर एक्स है और नीचे क्या लिखा हुआ है जी ए पावर वाई लिखा हुआ है। रेज टू पावर अगर लिखनी हो तो इंडेक्स के ऊपर जो कुछ भी लिखा हो ये वन के नीचे लिखना होता है, तो ये वन बाय फोर आ गया। मल्टीप्लाइड बाय ए पावर वाई भी लिख लें, ए पावर जी भी लिख लें और रेज टू पावर जो है वन बाय फोर भी हो गया, और उसके बाद ए पावर जी भी लिख लें, नीचे ए पावर एक्स भी लिख लें और ये भी रेज टू पावर, ये जो सॉरी ये उल्टा जो है ना इसकी रेज पावर लिखनी थी, स्क्वायर रूट साइन मैंने खत्म कर दिया और इसकी पावर आ गई जी ये वन बाय फोर। अब देखना ये पड़ेगा कि जब भी आप एक्स को मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर करते हैं तो आपके जेन में ये होना चाहिए कि आप एक्स जो है इसके नीचे है वन, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो इसका आंसर बेसिकली आ जाएगा एक्स बाय फोर। अब मैं वन बाय फोर जो पावर है ये वाली इसको मैं ऊपर वाले वैल्यू से भी मल्टीप्लाई इस एक्स से भी कर देता हूँ इस वन बाय फोर को, और बाद में ये वाई को भी कर देता हूँ वन बाय फोर वन बाय फोर से, तो ऊपर आ गया जी ए पावर एक्स बाय फोर, नीचे आ गया ए पावर वाई बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय ए पावर वाई बाय फोर डिवाइडेड बाय ए पावर जी बाय फोर, ए पावर जी बाय फोर डिवाइडेड बाय ए पावर जी एक्स बाय फोर। अब ये स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें इनको तो ये जो ए पावर एक्स बाय फोर है ये टोटली इसके साथ की सेम है, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल। सिमिलरली वाई बाय फोर पावर वाली ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया जी वन। ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर एट है, इसमें हम ये एम को जो है ना पावर को ये ऊपर एक्स पावर एल है नीचे एक्स पावर एम है, तो ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है कि अगर एक्स लिख के ऊपर एल हो और नीचे ये एम पावर है ये ऊपर चली जाए तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस एम और रेज टू पावर इसकी है जी एल प्लस एम। सिमिलरली अगर इस सिचुएशन में किया जाए तो ऊपर एक्स पावर एम लिखें और नीचे से एन पावर जो है ऊपर जाके ये माइनस में आ जाएगी और इसकी पावर होगी जी एम प्लस एन। फिर इसके बाद एक्स पावर एन माइनस एल लिख लें जैसे पिछला प्रीवियस किया है तो ऊपर आ गया जी एन प्लस एल। डियर स्टूडेंट्स ये जो पावर है मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि ये है एल माइनस एम और ये एल प्लस एम, ये फार्मूला की मदद से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर, और नेक्स्ट आ जाएगी जी एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, और नेक्स्ट आ जाएगा जी एक्स पावर एन स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर।
क्योंकि इनके बेसिस सेम हैं तो बेस एक ही दफा लिख लेते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, एल माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और इसमें देखें कि हमारे पास कैंसिलेशन होने लगी है कि ये एल स्क्वायर जो है माइनस एल स्क्वायर से गया, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से गया और एम जो है ना वो माइनस एम से गया। सो वी हैव एक्स पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं कि हम ये जो ऊपर ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी है, इसको हम ए से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो चले मैं इसका पी का एक स्टेप जरा इंक्रीज कर लेता हूँ। पी के साथ ये ए जो है ना ये ऊपर वाली सारी पावर यानी ए प्लस बी माइनस सी लिख दें साथ में, डिवाइडेड बाय पी पावर बी तो लिखा हुआ था लेकिन इसके साथ जो होल ब्रैकेट है वो वाली थी ए प्लस बी माइनस सी, वो लिख दें। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में ऊपर पी पावर बी है और इसके साथ होल ब्रैकेट जो अंदर लिखते हैं बी प्लस सी माइनस ए, और ओवर में पी पावर सी है तो उसके साथ ब्रैकेट में लिख लें जी बी प्लस सी माइनस ए। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है पी सी है और इसकी होल ब्रैकेट जो है सी प्लस ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय P पावर ए तो इसके ऊपर भी आया C प्लस ए माइनस बी। अगर ये स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो P के साथ क्या आ गया जी, A को A से किया तो A स्क्वायर, फिर A को B से किया तो प्लस ए बी, फिर माइनस C से किया तो माइनस ए सी, ये तो ऊपर की वैल्यू आ गई। नीचे डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं जी पी बी यानी ए बी हो गया ना मल्टीप्लाई करके ये ए बी, और नेक्स्ट क्या आ गया जी प्लस बी स्क्वायर और नेक्स्ट आ गया माइनस बी सी। अब इसी तरीके से आप पावर करें बी को पहले इससे करें फिर सी से करें फिर माइनस ए से करें तो पी पावर कितनी बनेगी, पहला आ गया जी बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय पी के साथ ये अब सी को इधर बी से ये बी सी आ गया, नेक्स्ट सी स्क्वायर आ गया और नेक्स्ट माइनस ए सी आ गया। सिमिलरली इनका भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही है, मैं डायरेक्टली सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी लिख देता हूँ और डिवाइडेड बाय पी ए सी प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। यहाँ भी एक डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक छोटी सी बात ये बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x लिखा हो और ऊपर m प्लस n लिखा हो माइनस p लिखा हो तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आप x पावर m लिख लें मल्टीप्लाइड बाय x पावर n लिख दें मल्टीप्लाइड बाय x पावर माइनस p लिख दें, इनको सेपरेटली लिखा जा सकता है। तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो मैं पहले वाले स्टेप को लिखता हूं जी पी के पावर ए स्क्वायर पी पावर ए बी और पी पावर ये जो है ना माइनस ए सी, ये लिख लिया। ओवर में डियर स्टूडेंट्स अगर लिखना चाहें तो पी ए बी, नेक्स्ट क्या आएगा जी पी बी स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा पी माइनस बी सी। ओके अगले वाले में लिखते हैं जी पी पावर बी स्क्वायर पी पावर बी सी पी पावर माइनस ए बी। सिमिलरली डिवाइड में अगर लिखेंगे तो पी पावर बी सी भी हो गया मल्टीप्लाइड बाय पी पावर सी स्क्वायर भी हो गया मल्टीप्लाइड बाय पी पावर माइनस ए सी हो गया, और लास्ट वाला जो स्टेप है P पावर ये जो है P पावर C C स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P पावर A C मल्टीप्लाइड बाय P पावर माइनस B C डिवाइडेड बाय P पावर A C P पावर A स्क्वायर और लास्ट पे आ गया P पावर माइनस A B।
अब ऊपर नीचे डी स्टूडेंट्स अगर आप कैंसिलेशन करना चाहें तो आप जरा देखेंगे और से, तो यहां पर ये पी पावर ए स्क्वेयर लिखा हुआ है, ये कैंसल हो गया इस पी पावर ए स्क्वेयर से। फिर अगर इसको देखें, ये पी ए सी लिखा हुआ है, इसको कैंसल कर दिया पी ए सी के साथ। अगर आप पी पावर सी स्क्वेयर को कैंसिल करना चाहते हैं तो पी पावर सी स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर पी पावर माइनस बी सी को कैंसिल करना चाहते हैं तो पी पावर माइनस बी सी को कैंसिल कर दें। अगर यहाँ पे पी पावर ए बी को कैंसिल किया है तो नीचे भी पी पावर कुछ जो है, नीचे भी यहां पर पी पावर ए बी, ये डी स्टूडेंट पी पावर ए बी से कैंसिल हो गया। फिर पी पावर माइनस ए सी है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने लगा हूँ, ये इसको जरा थोड़ा सा रेड में करते हैं। तो ये पी पावर माइनस ए सी जो है, ये डी स्टूडेंट इस पी पावर माइनस ए सी से गया। फिर पी पावर बी स्क्वेयर जो है वो पी पावर बी स्क्वेयर से गया। फिर पी पावर बी सी जो है, इसके नीचे लिखा हुआ है पी पावर बी सी भी गया। फिर पी पावर माइनस ए बी, पी पावर माइनस ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर सारे भी कट जाएं तो आंसर इसका वन होगा, क्योंकि पावर्स कटी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है, इसको करते हुए ये जेहन में रखें कि ये बायर पावर जो लिखी हुई है ना, ये वन ओवर थ्री है। ये नीचे थ्री का मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, कोशिश ऐसा करें कि देखें कि किस नंबर की पावर थ्री हो तो हम वो लिखेंगे। 125 होता है जी 5 पावर 3, और जाहिर बात है मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, इसको इतना ही छोड़ दें। 8 जो है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है जी 2 पावर 3, इसके फैक्टर्स बनाए ना तो 2 पावर 3 बनता है। 64 के 2 फैक्टर्स बनते हैं, 64 के अगर 2 के हिसाब से बनाए तो वो 2 पावर 6 हो जाता है, लेकिन अगर 64 के 4 के हिसाब से करें तो 4 पावर 3 को भी 64 कहते हैं। मैं इसके साथ डियर स्टूडेंट्स 4 पावर 3 इसलिए लिखने लगा हूं कि बाहर जो पावर लिखी हुई है ये 1 ओवर 3 है, तो ये हमें काफी एडवांटेज देगी। अब ये रेज टू पावर जो है, ये मैं लिखने लगा हूं 1/3। इसको डियर स्टूडेंट्स बारी बारी, पहले आप ऐसा कर लें कि ये जो 1/3 है, इससे सबसे पहले इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट पे ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके सामने क्या हो गया जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ऑलरेडी है, और साथ में 1/3 लिख दें, 2 रेज टू पावर 3 तो है, साथ में 1/3 लिख दें, और नीचे आपके सामने 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो है, तो इसके साथ भी 1/3 लिख दें। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि कैंसिलेशन का प्रोसेस, तो ये जो 3 इसके साथ चला गया, ये 3 इसके साथ चला गया, और ये 3 इसके साथ चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया जी 5 स्क्वेयर, और ये 2, और नीचे 4 स्क्वेयर, जो कि सिंपली 5 स्क्वेयर तो हो गया जी 25 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 2, और नीचे 4 स्क्वेयर जो है वो हो गया जी 16, तो 2 1s are, और 2 8s are 16, सो आवर आंसर विल बी 25/8। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मैं ऐसा कर लेता हूं कि जो है ये 4 जो है इसको लिख लेते हैं जी। पहले स्टेप में 2 स्क्वेयर होता है, और जाहिर है ऊपर पावर m है तो 2m पावर मल्ट हो जाएगी। 15 जो है, मैं इसको सबसे पहले 15 को ब्रेक करता हूँ जी इस तरीके से कि 15 पावर 4m लिख देता हूँ, फिर डॉट के बाद 15 पावर -2n लिख देता हूँ, फिर 15 पावर 1 लिख देता हूँ यानी 15। फिर उसके बाद ये 9 जो है, इसको अगर देखा जाए तो ये 3 स्क्वेयर है, और ऊपर पावर है जी n-2m, तो उसके साथ में 2 लिख देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स ओवर में देखते हैं कुछ चेंजेस। ये जो 10 है,
इसको अभी मेरा ख्याल है कि इसको अभी 10 को कुछ चेंज करते हैं, लेकिन अगले स्टेप में करते हैं, ये 2m लिखा रहने दें। और ये जो 25 है इसको लिखें जी 5 स्क्वेयर, और ऑलरेडी ऊपर पावर क्या है जी m-n, तो ये लिख दिए। अब डियर स्टूडेंट्स ये पहला तो हो गया जी 2 पावर 2m, फिर उसके बाद आ गया जी 15 पावर 4m लिख दें, फिर 15 पावर -2n, 15 पावर -2n भी लिख दें, फिर 15 भी लिख दें, फिर 3 लिखने के बाद ये जो 2 है ना ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक हो गया 2 पावर n, और दूसरा सेपरेट करके लिख दें तो 3 पावर, ये 2 को जब माइनस ये किया तो -4m। डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। नीचे ओवर में चलते हैं जी, ओवर में अभी 10 पावर 2m ही लिखते हैं, इसके फैक्टर तो मैंने बनाने ही हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं। डियर स्टूडेंट 5, ये 2 को m से करें ना तो ये आ जाता है जी 2m, और साथ ही डॉट लगा के 5 लहदा सेपरेट कर लें तो 2 बार -2n, ये हम डियर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। अब ऊपर की पावर्स तो सारी मतलब स्प्लिट हो गई है, सिंगल हो गई है, अब निचले डिजिट्स को ये 2 पावर 2n को 2m को ऐसे ही लिखें, और ये जो 15 है ना इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख के तो raised to power 4m कर दें। नेक्स्ट वाला फिर 15 है तो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख के तो इसकी पावर क्या थी जी -2n, और फिर 15 है तो इसको भी, बल्कि इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 लिख लें, और नेक्स्ट लिखें जी 3 पावर 2n भी आ गया और 3 पावर -4m भी आ गया। ये तो ऊपर का सिलसिला हो गया जी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स नीचे 10 है तो 10 के फैक्टर बनाते हैं जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2m हो गया, और नेक्स्ट वाले का आप कुछ भी नहीं कर सकते, 5 पावर 2n, और नेक्स्ट वाला 5m नहीं है ये m है सॉरी, और नेक्स्ट है 5 पावर -2n, ये हमने लिख दिया। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ऊपर की तरफ जो है ना स्लाइड किया है ताकि ये इजीली हमारा क्वेश्चन जो है ना इस पे पूरा आ जाए। यहाँ पे पहली वैल्यू वो सिंपल सी है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 पावर 2m लिख लिया। ओके जी, अब आपको बताया था ये 3 है तो इसकी पावर भी 1 है और 5 की भी है, तो ये 4m के साथ मल्टीप्लाई होके ना तो पहला आ जाएगा 3 पावर 4m, नेक्स्ट आ गया 5 पावर 4m, फिर उसके बाद आ गया जी 3 पावर -2n, फिर उसके बाद आ गया 5 पावर -2n, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो है ना डियर स्टूडेंट्स ये 15 नहीं 5 रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर उसके बाद 3 पावर 2n और 3 पावर -4n, ये ऊपर की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। ओवर के अंदर देखें तो 2 की पावर भी 1 है और 5 की 1 है, तो बाहर का 2m जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो पहली वैल्यू आ गई 2 पावर 2m, फिर 5 पावर g 2m, फिर उसके बाद जी 5 पावर 2m, फिर उसके बाद 5 पावर -2n। इसमें अगर ये स्टूडेंट्स आप कैंसिलेशन के लिए देख रहे होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 2 पावर 2m और 2 पावर 2m तो मेरे सामने हैं, इनको तो मैं कैंसिल फौरन कर देता हूँ, और 5 पावर -2n और 5 पावर -2n इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अगर ऊपर देखें आप जरा गौर से तो डियर स्टूडेंट्स यू विल रियलाइज कि अगर ये आपके सामने 3 पावर -4m है और इधर है जी 3 पावर +4m, तो अगर इनके साइन चेंज हो पावर के तो इनको भी हम आपस में कैंसिल तो कर ही सकते हैं, तो अगर इसको हम कैंसिल कर दें इसके साथ ये जो दो सर्कल्स लगाए थे
पीछे रह गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, हाँ ये वाला और ये वाला, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर का स्टेप जरा लिखे ना, ये ऊपर बच गया जी 5 पावर 4 m, और उसके ये एक और भी कैंसिल हो गया, ये जो 3 पावर -2 n है ना, ये 3 पावर +2 n से भी कैंसिल हो गया, ऊपर ही दोनों ये कैंसिल हो गए। यू हैव डियर स्टूडेंट्स 5 पावर 4 m, एक तो ये हो गया, साथ में 3 भी है ऊपर और साथ में 5 भी है ऊपर। और अगर डियर स्टूडेंट नीचे देखें तो इनकी ये बेस तो आपकी ये सेम है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2m + 2m, तो कितना आ गया जी 4m। तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, सो योर आंसर विल बी ओनली 5 3s are 15। ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। पहला हो गया 2 पावर 1 और 3, ये तो सिंपलेस्ट है, इसको तो ऐसे ही रहने दें। लेकिन 12 जो है, इसके अगर फैक्टर बनाए 12 के, तो मैं थोड़ा सा सिंपल सा, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 2 6s are और 2 3s are, तो ये तो डबल है, तो ये हो गया 2 square multiplied by 3। इसको लिख लेते हैं जी 2 square multiplied by 3, जब इसकी पावर बाय 1/2 है लिख लें। 27 जो है 3 cube है, लिख के तो साथ में 1/3 लिख देते हैं, साथ में 5 पावर 1/2 है। और नीचे जो है 10 के भी फैक्टर बना लेते हैं, तो 10 के फैक्टर तो होते हैं 2 multiplied by 5 और रेज टू पावर है 1/2। फिर 4 जो है वो लिखा हुआ है, तो उसको 2 square लिख लें और मल्टीप्लाइड बाय -1/3 लिख देते हैं। और इसके बाद 18 है, 18 को अगर डियर स्टूडेंट देखा जाए तो 18 में आप देखें कि 2 9s are और फिर 3 3s are, इसमें 2 तो सिंगल है लेकिन 3 2 times है, यानी 2 multiplied by 3 square आपके सामने आ गया, 2 multiplied by 3 square रेज टू पावर इसकी बन जाती है, लिखी हुई है जी, सॉरी 1/2 बनना क्या इसी। और लास्ट पे 81 है, 81 होता है जी 3 power 4, और ऑलरेडी उसकी पावर भी 1/4 है, तो ये वैसे ही हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा इजीली। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कुछ देखते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन मेरा ख्याल है कि जो पॉसिबल हैं उनको देख लें, या अगला स्टेप पहले लिख लेते हैं जी, अगला स्टेप 2 power 1/3, फिर 2 power, इस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 multiplied by 1/2, फिर 3 power 3 power तो वैसे ही आपको पता है 1 है, तो 1 जब बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो तो 1/2। नेक्स्ट ये 3 3 से कैंसिल हो चुका, तो जस्ट रह गया 3। 5 power 1/2 लिखने के बाद हम ओवर में चलते हैं, इनको भी सेपरेट कर लें, 2 power 1/2, 5 power 1/2, ये 2 power, ये 2 जो है याद रखना सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा -2/3। और फिर सेपरेट करते हैं जी, ये 2 है, इसको लिख के तो इसकी पावर भी 1/2, साथ में 3 square है तो इसके साथ भी 1/2 क्योंकि पावर है, और इसके साथ ही 4 4 से कैंसिल होके तो जस्ट ये 3 रह गया। यहाँ पे पेन कलर हमने थोड़ा चेंज करके कैंसिलेशन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे समझ आ रही है थोड़ी सी कि ये जो आपके सामने ये 3 लिखा हुआ है, एक तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो ये 3 जो है ना, ये इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 5 by 1 power 1 or 2 3 5 by power 1/2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये भी इस 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो रहा है। पीछे हमारे पास जो वैल्यूज कुछ बची हैं, वो कुछ डियर स्टूडेंट्स ये बच गए हैं कि ऊपर एक तो बच गया 2 power 1/3, जो कि आपको क्लियर नजर आ रहा है वो ये है। ओके, नेक्स्ट है इसके साथ जी 2, सिंपल, उसके साथ है 3 power 1/2
और डिवाइडेड बाय कौन कौन सी चीज रहेगी है जी? एक तो ये 2 पावर 1/2 है, एक ये 2 पावर 1/2 और एक ये 2 पावर 1/2, तो जो कि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, तो मैं 2 पावर 1/2 रेस टू पावर ब्रैकेट लगा के दो दफा है ना, तो पावर टू लिख देते हैं। फिर उसके बाद रह गया जी 2 पावर -2/3 और 1/3। डी स्टूडेंट्स ये बच चुका है। इसमें अगर देखें तो ये वाला 2, ये देखें जरा क्लियर, मैं इसको कैंसिल करने लगा हूं कि अगर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए तो बचा नीचे ये वाला 2 जो है सिंगल बच गया। इस 2 को उड़ा देते हैं जी इस 2 के साथ। अब 2 दो रह गए हैं, तो उनको ऐसा करते हैं कि जैसे ऊपर 2 पावर 1/3 था तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके तो ये प्लस में चले जाएगी, 2/3 हो गया। नीचे 3 पावर 1 लिखा हुआ है तो वो ऊपर वाले को कहता है कि आपकी पावर छोटी है, आप नीचे तशरीफ ले आए, तो वो ऊपर से नीचे तशरीफ ले आए। एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये ऊपर डीजे स्टूडेंट्स ये 2 है तो उनका एलसीएम तो बनता है जी 3 और ऊपर आ जाएगा 1+2। सिमिलरली नीचे वाले का अगर एलसीएम लेना हो जिसके नीचे कुछ ना 1 लगाते हैं तो इसका एलसीएम तो बनेगा जी 2। तो चूंकि 1 2 जार तो ऊपर 2 आ गया, यानी 2 1 जार 2 माइनस, और 2 1 जार 2 होता है एलसीएम के इक्वल, तो ये 1 1 जार 1 हो गया। इस तरीके से आपके सामने आ गया जी डियर स्टूडेंट्स 3/3 over 3 1/2। इसमें ये 3 कैंसिल होके ऊपर तो जस्ट रह गया 2, जबकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 रह गया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट्स 14 जो है वो मैं आपके सामने ही लिखने लगा हूं। एक है 4/3 और 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2/3। इसमें डी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि मेरा नाम जो है ना सर रफी है और मैं पंजाब प्रोविंस के सिटी गुजरात से तल्लक रखता हूं। तो ये वीडियो मेरी फर्स्ट मतलब जो है ना अटेम्प्ट है कि आपके सिंध बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको टच करते हुए उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ एफर्ट की जाए। तो अगर ये स्टूडेंट्स आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आए, और आई होप कि आएगी भी, तो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ये वाली शेयर भी करें, और अगर मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आया तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व अदर ऑल एक्सरसाइजेस फॉर यू के आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं जी अब क्वेश्चन की तरफ। तो ये 4 तो लिख लिया हमने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्क्वेयर। अब 3 स्क्वेयर का किसको जी पता नहीं है कि 3 2 टाइम्स, और जारी बात है ये 9 होगा, 4/9 आ गया। जबकि डिवाइड के बाद मैं नीचे लिखता हूं, ये 4 तो लिख लिया डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी पावर है 2/3। तो आपको पता है 2/3 क्या होता है, 2 3 दफा, तो ये आपका 8 आ जाता है। लिखिए फिर 4/8, तो ऊपर पावर बड़ी है, वो कहते हैं मैं नहीं नीचे आऊंगी, नीचे वाली छोटी पावर हमेशा ऊपर जाएगी, तो नीचे प्लस माइनस 8 है, नीचे प्लस 8 है, ऊपर जाके माइनस 8 हो जाएगा। जस्ट डियर स्टूडेंट्स यू हैव 4/1 विच इज इक्वल टू 4। और एक दूसरा भी तरीका है कि अगर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन से लिखे तो 1/4 अलहदा कर लेना, और साथ में आप 4/8 लिख दें, और नीचे ऑलरेडी 4/8 है तो ये कैंसिल कर दें, तो आपका फिर भी तो आंसर 4 आ जाता है ना। सो डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड राइट गुड कमेंट्स, देन आई विल डेफिनेटली मेक अदर इफेक्टिव वीडियोस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अल्लाह हाफिज।